मैडम कोई दिक्कत आ रही है पर्चियों में? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। इससे पहले? जी, इससे पहले थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन जो मोहल्ले में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन सभी सब सपोर्टिव लोग थे और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई। कोई कोई भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया है, जैसे कि पिंटू भाई का नाम लेना चाहेंगे हम इस समय। और हमारे मोहल्ले में एक दो लोग बड़े सहयोगी हैं और कई लोगों ने परेशान भी बहुत किया है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हद से ज़्यादा। और मैं चाहूँगी मेरी चुनाव इस वाली BLO से ड्यूटी काट दी जाए, मैं इतना परेशान हो गई। अच्छा। क्योंकि एक मेहनती और ईमानदार आदमी को जब परेशान किया जाता है तो बहुत गुस्सा भी आती है। अच्छा। मैं सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अन्नी खाना मोहल्ले में पर्ची बांटती हूँ, उसके बाद शिकायत जाती है। तो ये बात, थोड़ी सी दिक्कतें हुई इसमें, मुझे बहुत तकलीफ भी हुई है, लेकिन मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉइंग, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब जी हाँ, सहयोग तो है, कुछ सहयोग बहुत ज़्यादा लोगों का रहा, परेशान कुछ लोगों ने किया है। ये मेरी बेटी है। अच्छा, अच्छा। जी चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर, जैसा कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय खीरी टाउन बिल्कुल करीब में एक पोलिंग सेंटर है, दूसरा भी यहाँ पर पोलिंग सेंटर है, ज़िला पंचायत इंटर कॉलेज, और यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, और ये भीड़ पर्चियाँ बनवाने वाले जो वोटर्स हैं उनकी है। शायद इनके घरों तक पर्चियाँ नहीं पहुँच सकी हैं, तभी ये लोग पर्चियाँ बनवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पर्चियाँ बन रही हैं, BLO मैडम जो यहाँ पर बैठी हुई हैं वो भी ये कह रही हैं कि उनको परेशानी शुरू में बहुत हुई और कुछ लोगों ने परेशान भी किया, लेकिन अब लोग सहयोग कर रहे हैं, पर्चियां बन रही हैं। तो कोई बताएंगे कि क्या यहां पर दिक्कत आ रही है, भीड़ क्यों लगी, पर्चियां घरों पर नहीं पहुंची थी? हाँ हाँ, पर्ची घर पर नहीं पहुंची, अब कुछ लोगों के नाम भी पूरी पूरी फैमिली के गायब हैं। पूरी पूरी जी, क्या बता रहे हैं? घर पर पर्ची नहीं पहुंची, हम लोग इंतजार करते रहे। अच्छा, और यहां भी नहीं मिल रही। अच्छा, हमारा तो वोट गायब है। इससे पहले जो है वोट पड़ा था? पड़ा था, हर साल वोट पड़ता है विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में भी चेयरमैन भी वोट पड़ता है, बराबर वोट आता है, पर्ची भी घर पर मिलती थी, अब की नहीं पहुंची, और यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, आपका? हमारे नाम ना है बनवारी के, इधर आपका भी नाम नहीं है? हाँ, तलाश किया है, वोटर लिस्ट में देखा है? देखा है। अच्छा, तो कहना है पहचान पत्र ला जाए तो फिर ला नहीं, देखो दो। चलिए दिखाइए पहचान पत्र, शायद मिल जाए। आप लोगों की पर्ची मिल गई आपकी? हाँ, मिल गई। कहाँ मिली, घर पे या यहीं मिली? घर यहाँ बनवाई है? घर पे, घर पे, घर पे बनवाई है। और यहाँ किसी को समस्या है कोई भैया पर्ची वाली? पर्ची नहीं है, तीनों नाम, एक भी नाम नहीं है। अच्छा, हाँ, एक भी नाम नहीं है। अरे, एक भी नाम नहीं, एक भी नाम नहीं है, इसका भी किसी के नाम ही नहीं है। अच्छा, वो जरा नाम बताइए जो है, कौन कौन है? विकास भारती, ठीक, नैन्सी राज, अमरीश कुमार। अच्छा, किसी की पर्ची ही नहीं है। वार्ड अरनी खाना एक। अच्छा, ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, देखने में मिल रही है कि वोटर लिस्ट में नाम गायब हैं। अब ये भैया तीन लोगों के ये शिनाख्ती कार्ड लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, आपका क्या कहना है? हमारा तो मतदान हो गया। मतदान हो गया? हाँ। कर दिया? हाँ, पहले क्या इशू रहा, जहन में क्या रहा, ये मत बताइएगा कि किस पार्टी।